नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फैन वाइंडिंग की कनेक्शन को मल्टीमीटर से कैसे फाइंड करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप है, इस वीडियो में देखेंगे। फ़ैन के अंदर की कॉइल से हमको चार वायर बाहर आती हैं। इनमें से दो लाल हैं, दो वायर काला हैं। इनमें से एक वायर को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं और दूसरे को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग वाइंडिंग हमको पता लगाने के लिए हम मल्टीमीटर के द्वारा इसको फाइंड करते हैं। पहले मल्टीमीटर ऑफ में है, हम उसे 200 ओम्स पर रखते हैं, इसको बजर भी कहते हैं। देखिए हमने रख दिया, इनमें से दो वायर निकलती है। इन दोनों को हम पहले लाल वायर में रखते हैं। देख तो रख दिया, मल्टीमीटर पॉइंट देखिए 184.789 ऐसे आती है, इसको रेसोनेंस कहते हैं। फिर हम काले वायर पर रखते हैं, इसमें हमको 138.4 या तो 5 मिलती है। देखिए 138.9 मिला। रेड वायर में हमको 184 मिला, ब्लैक वायर में हमको 138 मिला। इसमें क्या दिखती है, ब्लैक वायर का रेसोनेंस रेड वायर से बहुत कम है। इसे हम क्या कहते हैं, जो जिस वायर रेसोनेंस कम होता है उसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं और जिसमें रेसोनेंस अधिक होता है तो उसको स्टार्टिंग कहते हैं। ब्लैक में रेसोनेंस कम है इसलिए हम उसको रनिंग वाइंडिंग ले लिया और रेड वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने ले लिया। फिर मैं दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करते हैं। देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग एक तार को हमने जोड़ दिया, उसको कॉमन वाइंडिंग हमने बना लिया। फिर मैंने क्या किया, रनिंग वाइंड का एक तार को कैपेसिटर के एक तार में मैंने जोड़ दिया। फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग लाल वायर का एक वाइंड और तार को मैंने कैपेसिटर के दूसरे तार में मैंने इसको जोड़ दिया। बस इतना ही कनेक्शन है। चलो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए मैंने दो वायर को कनेक्शन में करके रखा है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव में। देखिए टच करके दिखाता हूँ, पहले हम कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंड को टच करके दिखाता हूँ। इन दोनों को टच करने पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमेगा, ये तो रॉन्ग पोजीशन है। जब मैं कॉमन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को मैं टच करता हूँ तो ये राइट साइड घूमेगा। यही सही तरीका है, ऐसे हमको कनेक्शन करना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा।